हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं आपको अच्छी वीडियो एडिटिंग या सिनेमेटिक लुक्स देने के लिए आपको यूज़ करना पड़ते हैं पीसी के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जैसे प्रीमियर प्रो, फाइनल कट वगैरह, जो कि पैड होते हैं और हमारे कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा मांगते हैं। पर कैसा लगेगा आपको ये सुनकर कि आप ये सब अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं? जी हाँ गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इफेक्ट्स जो आपके वीडियो में अगर एड करेंगे तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये वीडियो फ़ोन में एडिट हुई है। सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है फ्लिकर इफेक्ट, जो कि ऐसा दिखेगा। तो गाइस, इस इफेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे काइनमास्टर ऐप को। ओके, तो मैंने एक सैम्पल वीडियो लिया है, मैंने उस वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये जो मिडिल वाला पार्ट है उसकी स्पीड को हम थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि उतने पार्ट में ही हम फ्लिकर इफेक्ट को यूज़ करने वाले हैं इसलिए। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसकी स्पीड मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ एज़ कम्पेयर टू द मिडिल वन। और सेम जो लास्ट वाला पार्ट है उसके साथ भी हम यही करेंगे, थोड़ी सी स्पीड उसकी बढ़ा देंगे। तो ये एक अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट करेगी, जैसे स्पीड ज़्यादा, फिर थोड़ी सी कम, फिर एकदम से ज़्यादा। तो जो कम स्पीड वाला पार्ट है उसमें हम हमारा फ्लिकर इफेक्ट यूज़ करने वाले। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग लेयर पर क्लिक करके एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और उसको हम लोग कट करेंगे जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना छोटा। ओके सो डन, अब इससे ज़्यादा छोटा ये नहीं हो सकता। तो बस अब मैं जो कर रहा हूँ आपको भी वही करना है, इसको डुप्लीकेट करना है। अब कितने डुप्लीकेट्स पार्ट करना है ये आपके वीडियो के ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने ड्यूरेशन तक ये फ्लिकर इफेक्ट यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ सैम्पल्स लिए हैं, तो बस इन्हें सेम पोजिशन पर एडजस्ट करना है। ये जो दिख रहे हैं मैंने जिस तरह से किया है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि हर एक लेयर के बाद आपको एम्प्टी स्पेस छोड़ना है सेम ड्यूरेशन के लिए, ऐसा आपको उस क्लिप के एंड तक करना है। बस हो गया, अब बस आपको इसमें आपके हिसाब से कोई बैकग्राउंड सॉन्ग ऐड करना है। ओके सो गाइस, दूसरे जो इफेक्ट का नाम है स्पीड रैंप इफेक्ट, जो कि कुछ इस तरह दिखेगा। इस इफेक्ट के लिए जो ऐप हम यूज़ करेंगे उसका नाम है पावर डायरेक्टर ऐप। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आप एक स्लो मोशन वीडियो यूज़ करते हैं तो उसमें यह इफेक्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरे पास ये एक स्लो मोशन क्लिप है, तो इसमें मैं एडिट करूँगा वीडियो को। तो सेम फंडा यूज़ करना है यार, जैसा अपन ने पहले किया था, वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड करना है। पर ध्यान रहे, जो इस बार मिडिल वाला पार्ट है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर टू पार्ट, क्योंकि उस स्पीड की स्पीड हम बढ़ा देंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर हमने स्पीड बढ़ा दी तो वो ऑलरेडी छोटा हो गया है। वीडियो थोड़ा और अच्छा लगे इसलिए मैंने जो बाकी के दो पार्ट्स हैं उनकी स्पीड थोड़ी सी और स्लो कर दी। वैसे इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं अगर आपका वीडियो पहले से स्लो मोशन में रिकॉर्डेड है तो, पर अच्छा लगे इसलिए मैंने कर दिया। तो अब ये कुछ इस तरह से लगेगा प्ले करने पर। अभी इसमें कुछ बाकी है, तो जैसा कि हमने एक जगह पर इसे किया है तो हम इसे दो तीन जगह पर और ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस करना है, कुछ नहीं है, बस वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड करना है। जो मिडिल वाला पार्ट है उसकी स्पीड एकदम से बढ़ा देना है और बाकी दो पार्ट की स्पीड कम रखना है। तो जिस जिस जगह पर आपको लगे कि आप ये सब इफेक्ट अच्छा लगेगा जहाँ जहाँ पर, आप वहाँ पर यूज़ करिए। फ्रेंड्स, मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वीडियो का, मैं मेरी तरह आपको ऐसे जल्दी जल्दी में वीडियो एडिट नहीं करना है, ये और भी बेहतर हो सकता था, पर मैंने आपको बताने के लिए बस जल्दी जल्दी में इसका एक एग्जांपल लिया है। आप अच्छे से पहले वीडियो को पूरा देखकर एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ कहाँ पर ये इफेक्ट अच्छा लगेगा, और इसको आराम से बैठकर कीजिए तो ये बहुत अच्छा लगेगा आपके। इसमें स्पीड एडजस्ट करने वाले काम को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। स्पीड आप जब एडजस्ट कर ले तो बस आपको एक चीज़ और करना है, आपको इसमें इफेक्ट डालना है। उसके लिए जो एफएक्स वाला साइन है यहाँ पर क्लिक करना है और डिले इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद ये रेगुलरिटी को 2 कर लेना है सिलेक्ट करके। जहाँ जहाँ पर आपने स्पीड को फास्ट किया है वहीं पर इसे यूज़ करना है, तो इससे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट होगा और आपका वीडियो फिर ऐसा लगेगा। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles go fed. So guys, तीसरा जो इफेक्ट है वो है घोस्ट इफेक्ट। I live inside my own world of make-believe. Kids
inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles profane. तो जल्दी से काइनमास्टर ऐप को ओपन कीजिए. इस इफेक्ट के लिए भी हम लोग काइनमास्टर ऐप को यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले आप कहीं पर भी जहाँ पर आपको ऐड करना है वहाँ पर स्प्लिट कर लीजिए आपकी क्लिप को. तो इस वीडियो पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट एस लेयर करेंगे. उसके बाद फिर से यहाँ पर जाकर इसको फुल स्क्रीन कर देंगे सबसे पहले हम. फिर उसके बाद इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा कम करेंगे. अब ये जो नीचे लेयर है इसको हम थोड़ा राइट साइड ड्रैग करेंगे. तो उससे ये एक अच्छा सा इफेक्ट आप देख सकते हैं आ रहा है. अब इस इफेक्ट में थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं. तो उसके लिए जो लेयर वाला पोर्शन है उसको हम क्लिक करना है. उसके बाद जाना है कलर फिल्टर में. इसमें बेसिक में जाना है. फिर आप कोई सा भी नीचे जो तीन चार कलर्स हैं इसमें आप कोई सा भी कलर ट्राई कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी यह रेड कलर ट्राई किया है तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये वैसे. अब मैंने वैसे ही दो तीन जगह पर और इस क्लिप को ऐड किया है नीचे लेयर में. तो वहाँ वहाँ पर मैं आपके लिए सिर्फ ये अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ. आपको जो बेटर लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं. जैसे इस बार मैंने ब्लू कलर थोड़ा सा लिया है. तो बस ऐसे ही आपका जितना मन करे उतने कलर्स में जहाँ जहाँ आपको इफेक्ट यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी बढ़िया इफेक्ट है. काफ़ी म्यूज़िक वीडियो में आप इसे यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा लगेगा और सिनेमेटिक लगेगा. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles profane. सो गाइस ये था आज के कुछ इफेक्ट्स. ऐसे कई सारे इफेक्ट्स और आइडियाज़ मेरे पास है. अगर आप चाहते हो मैं उन पर वीडियो बनाऊं तो वो तभी पॉसिबल होगा जब इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आएगा. और गाइस मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है चैनल को मोनेटाइज करने के लिए. मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए. तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को फैला दो, सबको बताओ इस ट्रिक के बारे में. और एक और बात गाइस, अगर कोई सा भी इफेक्ट आपके काम आया हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि दिस इफेक्ट हेल्प्स मी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. बाय बाय.